ओके, तो कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, गुड नून, गुड नून, गुड नून। अंकित यादव यही है सर, 80। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक, राइट? यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। बच्चों, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर आपकी तबीयत कैसी है। मैं बता दूं, मैं बहुत जबरदस्त हूं। बस कल थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी। कल बेसिकली गला बहुत ज़्यादा चोक हो गया था, गला खराब हो गया था, और साथ साथ थोड़ा सिर दर्द कर रहा था, हेडेक हो रहा था, तो इसीलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। बट नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट, फाइन, एब्सोल्यूटली हेल्दी। ओके, चलिए, आपको वॉइस क्लियर आ रहा है? स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन। नया टॉपिक, और ये नया टॉपिक क्या होने वाला है? नया टॉपिक होने वाला है शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट, या टू द कंपनीज एक्ट 2013 डिवीजन 1। कॉपी है तुम्हारे पास? जल्दी बोलो, कॉपी है तुम्हारे पास? कॉपी होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास। लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चलिए मुझे ये बताओ कि सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या-क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या-क्या आता है बच्चों, जल्दी बताओ। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता रहे हैं, रुकिए रुकिए सर, बता रहे हैं, रुको जरा, रुको जरा, सब्र रखो, बता रहे हैं सर हम। शोज पोजीशन ऑफ द कंपनी। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन शो नहीं करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन के साथ साथ परफॉर्मेंस भी शो करता है, कैश फ्लो फिगर्स भी शो करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट इज द पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ बच्चों, सही सुना आपने। हम जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, कंपनीज एक्ट कहता है ये चुटपुटी ये चीजें मत करो, मत करो, एक ही स्टेटमेंट में सारी चीजें लिखो, ठीक है? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रेडिंग अकाउंट वाले आइटम्स और मैन्युफैक्चरिंग वाले आइटम सारे के सारे इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा कैश फ्लोज स्टेटमेंट, यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है। और क्या होता है? और क्या होता है सर? और क्या आता है? किसी ने लिखा है, किसी ने लिखा है, क्या लिखा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख दिया, P&L बैलेंस शीट लिख दिया, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिख दिया, तो मैं यहां बोलूंगा डिस्क्लोजर्स।
ये डिस्क्लोजर्स, दीज डिस्क्लोजर्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिस्क्लोजर्स सर कौन से डिस्क्लोजर्स, कैसे डिस्क्लोजर्स, कहां से आते हैं ये डिस्क्लोजर, हमें तो नहीं पता डिस्क्लोजर। तो सुन लीजिए, डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल थ्री। एंड शेड्यूल थ्री जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा आते हैं और शेड्यूल थ्री के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए, मतलब शेड्यूल थ्री और एएस मिलके कहते हैं कि भाई आपको कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, आपको कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। हमें ये डिस्क्लोजर्स कहां करने पड़ते हैं, हमें ये डिस्क्लोजर्स कहां करने पड़ते हैं, हमें करने पड़ते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, एट नोट्स टू अकाउंट्स, एट नोट्स टू अकाउंट्स। यस ठीक है, मैंने किसी एएस का नाम नहीं लिया, मैंने बोला ओनली एएस, इसमें कोई एक एएस नहीं आएगा बच्चे, इसमें सारे एएस आएंगे। हां सच्ची, एएस वन नहीं, सारे एएस, क्योंकि किसी ना किसी एएस के एएस में कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दी गई है। कोई एएस किसी डिस्क्लोजर के बारे में बोलता है, जैसे एएस 12 है वो बोलता है गवर्नमेंट ग्रांट मिली उसके डिस्क्लोजर्स करो, एएस 10 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो बोलता है कि डेप्रिसिएशन का मेथड डिस्क्लोज करो, यूजफुल लाइफ क्या लिया आपने वो डिस्क्लोज करो, ठीक है ना, असेट का WDV डिस्क्लोज करो, ओरिजिनल कॉस्ट डिस्क्लोज करो, ठीक है। एएस 11 है फॉरेन एक्सचेंज, वो कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज में आपने कौन से रेट लिए, $1 बराबर आपने क्या लिया उसके बारे में डिस्क्लोजर करो, ठीक है। तो यहां पर शुभम आपने एएस 1 लिखा है क्योंकि आपको लगता है कि एएस 1 में लिखा है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो तो एक ही एएस है जो बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हमें ना सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, क्या क्या चीजें हो सकती है वो सब डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। सर व्हाट अबाउट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो होता है वो उन कंपनीज को बनाना पड़ता है जो इंड एएस अप्लाई करती हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एएस अप्लाई करनी पड़ती हैं। मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं से ये फिगर सुन के आए हो, ये वर्ड सुन के आए हो, पढ़ के आए हो और तुम आज ये चाह रहे हो कि सर देखो मेरे को आता है, पर अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी सब बताऊंगा कि ये इंड एएस वाला क्या है फंडा, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहां दिखाते हैं कहां नहीं दिखाते हैं। तो अमर मार्ग थोड़ा सा शांत हो जा भीम, थोड़ा सा शांत हो जा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होता है अगर आपकी कंपनी एएस को फॉलो कर रही है तो, ठीक है सर आई बात समझ में। ये होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे ये बताइए कितने टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। टू पता नहीं क्या लिखा किसी ने, जय ने कंसोलिडेटेड सिंगल, जय का नाम, नाम पे तो थोड़ा सा केयर कर, कैसे जवाब दे रहे हो। 2 3 2 2 2 2 3 3 3 वाले पता ना कौन कौन से होते हैं जो बोल रहे हैं थ्री होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं भी सुनना चाहूंगा भाई कौन से थ्री वाले मुझे बताइए कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, थ्री में कौन कौन से आते हैं। अच्छा कीपैड प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं बड़ी बड़ी क्लासेस में। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे बताइए, तीन टाइप अगर होते हैं तो कौन से होते हैं, दो होते हैं तो कौन से होते हैं, एएस इंड एएस अदर बैंकिंग। ना रे ना, मैंने ये थोड़ी पूछा
कि किसके लिए कौन कौन से होते हैं, ये थोड़ी पूछा मैंने। हाँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गाइस, दो प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, याद से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, दो प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होते हैं जिनको आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हो, पर वर्ड सिंगल बोलना ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ही चीप लग रहा है, सिंगल है, सिंगल क्या, सिंगल छोड़ो, सिंगल नहीं, बुरा लग जाएगा उसको, उसकी भी हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो सिंगल नहीं बोलने का उसको, ठीक है ना, उसको सिंगल नहीं बोलेगा, उसको बोलने का सेपरेट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है, पहला जो टाइप है विच इज कॉल्ड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, SFS, ठीक है। कुछ लोग इसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, सिंगल मत बोलो बुरा लग जाएगा, सिंगल वर्ड सुन के यहां पर अपने पास जितने भी बच्चे बैठे हैं जो सिंगल हैं बेचारे, उनको लगेगा क्या सर, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना मत बोलो, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सर क्या ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर कंपनी को बनाना पड़ता है? क्वेश्चन ये है वेदर ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या ये सारी कंपनीज को बनाना जरूरी है, मतलब सेपरेट भी बनाएंगे, स्टैंड अलोन मतलब और कंसोलिडेट भी बनाएंगे, क्या दोनों के दोनों बनाना जरूरी है? अब सर टाइप्स दो हैं तो दोनों के दोनों बनाना जरूरी होगा सर, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, बना लो सर, क्या दोनों के दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी कंपनीज को बनाना जरूरी है? जल्दी बताओ, सारी की सारी कंपनीज को क्या दोनों के दोनों बनाना जरूरी है? नहीं, तो हम बोलेंगे ओनली दोज कंपनीज विच आर हैविंग, जल्दी बोलो, विच आर हैविंग व्हाट, वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS अलॉन्ग विथ SFS। नो सर नॉट इट, नो सर नॉट ऑल कंपनी सेपरेट फाइनेंशियल में बनाना है, बट जिसका होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन है वो कंसोलिडेट फाइनेंशियल बनाएगा, जिनको अलग अलग तरह के बिजनेस हैं उनको दोनों बनाना पड़ता है। सुनीता करेक्ट नहीं है बेटा, अगर आज मैं तीन अलग अलग बिजनेस कर रहा हूं पर एक ही कंपनी के नाम से कर रहा हूं, याद रखना मैंने बोला एक ही कंपनी के नाम से अलग अलग बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही प्रकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मेरा बिजनेस वन से कितना इनकम आया, बिजनेस टू से कितना आया, बिजनेस थ्री से आया, मेरे असेट्स तीनों बिजनेस के मिलाकर दिखाए जाएंगे, लाइब्रेरी तीनों बिजनेस के मिलाकर दिखाए जाएंगे और उसको बोला जाएगा कि मेरा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मैंने बोला अगर मैं एक ही कंपनी से तीनों बिजनेस कर रहा हूं तो सर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बनाना पड़ता है, ये लिख दिया मैंने। मैंने बोला कि भाई अगर किसी कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, अगर किसी के पास कोई सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है ना, अगर किसी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, अब आप बोलोगे सर सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, उसके उसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर लो, हम आएंगे। अगर मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो मुझे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना ही है, पर साथ साथ मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना है, ठीक है ना। अब क्या सेपरेट, सेपरेट का मतलब क्या होता है और कंसोलिडेटेड मतलब, उससे पहले समझते हैं कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। अगर मैं किसी कंपनी
बिजनेस को कंट्रोल करने लगूं। मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं किसी कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल करने लग जाऊं, ठीक है ना, अगर मैं किसी कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल करने लग जाऊं। अब ये कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग तुम्हें तुम्हारे घर पे तुम्हारे पप्पा बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि तुम्हें अपने पप्पा से पूछोगे ना, पप्पा कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो तुम्हारे पप्पा बोलेंगे बेटा कंट्रोल मतलब वही होता है जो तुम्हारी मम्मी मेरे ऊपर करती है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि बेटा अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस पे कंट्रोल करने लग जाए, सर कंट्रोल करने लग जाए मतलब ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड के बिजनेस पे कंट्रोल कर रही है, बी लिमिटेड के बिजनेस पे कंट्रोल कर रही है मतलब बी लिमिटेड की जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, ऑपरेटिंग डिसीजंस हैं, वो बिना ए लिमिटेड के सहमति के नहीं लिए जाएंगे। मतलब सारे डिसीजंस कौन लेगा, ए लिमिटेड लेगा। सारे डिसीजंस लेने में सबसे बड़ा हाथ किसका होगा, ए लिमिटेड का। तो ए लिमिटेड को हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड को बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर हमने तो ये पढ़ा था कि अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेंगे तो ऐसा होता है। बेटा कंट्रोल, मैंने यहां पर वर्ड बोला कि अगर एक कंपनी के बिजनेस में हमने कंट्रोल अक्वायर कर लिया तो हम बन जाएंगे होल्डिंग कंपनी और सामने वाली बन जाएगी सब्सिडरी। पर ये कंट्रोल कैसे अक्वायर किया जाता है, कंट्रोल अक्वायर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला मोस्ट कॉमन तरीका यह है कि आप सामने वाली कंपनी के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर खरीद लो, जिससे आपके पास 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स आ जाए। तो अल्टीमेटली आपके पास कंट्रोल आ गया, क्योंकि सबसे बड़े शेयर होल्डर आप हो उस कंपनी के। कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा वो बिना आपकी सहमति के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़े शेयर होल्डर आप हो। तो कंट्रोल कैसे एक्वायर किया जाता है किसी भी दूसरी कंपनी का, बाय अक्वायरिंग मोर देन 50% शेयर्स। क्या कोई दूसरा तरीका भी होता है कंट्रोल अक्वायर करने का, क्या कोई दूसरा तरीका भी होता है कंट्रोल अक्वायर करने का? हाँ बिल्कुल होता है, कंट्रोल अक्वायर करने का दूसरा तरीका भी होता है। सर कैसे, अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर नहीं भी खरीदता हूं तो भी मेरे पास कंट्रोल आ सकता है, पर ये बहुत ही मुश्किल से होता है और जनरली ये गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से होता है। मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसबीआई को अथॉरिटी दे दी कि तुम यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहोगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज एसबीआई करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एसबीआई को यह कह दिया कि वो जो यस बैंक है ना, जो बंद होने वाली थी, उसको अपन बंद नहीं करने देंगे, पर उसके सारे डिसीजंस तुम लोगे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तुम्हारा पूरा अधिकार होगा, तुम चाहो तो किसी भी तरीके से उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैनेज कर सकते हो, अपने खुद के डायरेक्टर्स बिठा सकते हो, उनके वाले डायरेक्टर्स को हटा सकते हो, व्हाट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, वी आर अथोराइजिंग यू। एसबीआई के पास क्या यस बैंक के शेयर्स होंगे? नहीं, एसबीआई के पास एक भी शेयर नहीं है यस बैंक का। उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ये अथॉरिटी दे दी सेबी को। आई मेरी बात समझ में? विद द परमिशन ऑफ आरबीआई, मतलब अल्टीमेटली आरबीआई के इन्वॉल्वमेंट से। कुल मिला के समझ में आया? तो इससे क्या हुआ, इससे एसबीआई के पास एक कंट्रोलिंग पावर आ गया यस बैंक को कंट्रोल करने का। स्टिल एसबीआई विल बी ट्रीटेड एज होल्डिंग कंपनी एंड यस बैंक विल बी ट्रीटेड एज सब्सिडरी कंपनी। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? गाइज अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा मैं अगर आपको बोलूं कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 80% शेयर्स खरीदे, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 80% शेयर्स खरीदे, 80% याद रखना, बी लिमिटेड के 80% शेयर्स ए लिमिटेड के पास है, बी लिमिटेड के 80% शेयर्स ए लिमिटेड के पास है। बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स में से 80% किसके पास है, ए लिमिटेड के पास है। तो इसका मतलब 20% शेयर्स किसके पास है, बी लिमिटेड के अदर शेयर होल्डर्स के पास, अदर शेयर होल्डर्स के पास 20% शेयर्स हैं। क्या इनके पास कंट्रोल है? नहीं, कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल है ए लिमिटेड के पास। तो सर इनके पास क्या है, इनके पास शेयरिंग राइट्स है। कल को अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो उसका 20% इनको मिलेगा, कल को अगर ये कंपनी बंद हो गई तो 20% अल्टीमेटली जितना भी पैसा आएगा उसका 20% इनको मिलेगा। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
या फिर इनको कहा जाता है नॉन कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोल तो है नहीं इनके पास, पर इनके पास शेयरिंग राइट्स हैं, तो इसलिए बोला गया है इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट जरूर है, हमें इसमें शेयरिंग मिलेगी, बट हमारे पास कंट्रोल नहीं है, हमारी सुनी नहीं जा सकती। तो इट इज वन इन द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आई बात समझ में गाइस? अंडरस्टूड और नॉट? सर एसोसिएट कंपनी क्या होती है, ज्वाइंट वेंचर क्या होती है, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट लग जाएगी, और आज छोड़ो फिर 4 दिन हमें यही डिस्कस करना पड़ेगा। मुझे पता है, मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं से पढ़ के आए हो, और अच्छी बात है तुम पढ़ के आए हो, इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है, पर शांत हो जाओ थोड़ा सा। जो चीजें रेलेवेंट है ना, उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे, तो आगे तुम्हारे डाउट्स धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होंगे। बट अगर जो मन में जो उचक रही है चीजें कि ये मैं पूछ लूं, ये मैं पूछ लूं, तो उससे क्या होगा कि हम अपने टारगेट से इधर उधर हो जाएंगे। मैंने शुरू किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद में आया टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट धीरे 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 तुम कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते जा रहे हो दूसरी बातों में। किसी ने पूछा सर कंट्रोल इंटर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और नॉन कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस होता है, कायदे से मुझे ये नहीं बताना था पर मैंने बता दिया। फिर कब कोई बोल रहा है कि एसोसिएट कंपनी क्या है, ये क्या हो वो, या एसोसिएट कंपनी भी तो सर होगी ना, ये सब आप डाइवर्ट हो रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे डाइवर्ट करो। आप अभी डाइवर्ट मत हो बेटा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, तुम्हारे घर पे भी कोई छोटा बच्चा होगा, ठीक है ना? क्या आज तुम उसको जाके बताओगे कि देख बेटा देख, सीए में ना, सीए आईपीसी जो होता है, सीए फाइनल होता है, फाइनल में ना आर्ट्स होता है, उसको क्या समझ में आएगा छोटे बच्चे को? बोलेगा भाई मुझे खेलने दे भाई, ठीक है ना, मैंने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया, तुम मुझे सीए की बातें बता रहे हो, मतलब उसको तो समझ ही नहीं आएगा। पर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाएगा, उसको दुनिया की कुछ बातें खुद से समझ में आ जाएंगी। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको मम्मी डैडी सिखाए, वैसे ही जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, आप मिच्योर होते जाओगे, खुद ही 4 चीजें अपने आप अंडरस्टूड होती जाती हैं। तो इसीलिए मन की भावनाएं थोड़ी सी कंट्रोल में रखो, मन की भावनाएं थोड़ी सी कंट्रोल रखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत ही नहीं है बेटा, छोटे भाई बहन हो तुम मेरे। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने ये बोला कि भाई ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बनाने पड़ते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज को जिन कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनीज हैं, जिन कंपनीज के पास सब्सिडरी कंपनीज हैं। इसका मतलब एसबीआई जो है वो अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएगा ही बनाएगा, बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। अब ये सेपरेट और कंसोलिडेटेड में फर्क क्या होता है? जब एसबीआई अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, तो उसमें सिर्फ वो अपनी खुद की अर्न की हुई इनकम्स दिखाएगा, खुद के किए गए एक्सपेंसेस दिखाएगा, खुद के असेट्स दिखाएगा, खुद के लाइबिलिटीज दिखाएगा। जबकि एसबीआई अगर येस बैंक के साथ मिलकर अगर एक एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, तो वो बताएगा कि एसबीआई अपनी इनकम के साथ साथ येस बैंक की भी इनकम को मर्ज करके दिखाएगा, अपने एक्सपेंसेस के साथ साथ येस बैंक के एक्सपेंसेस को भी मर्ज करके दिखाएगा पीएनएल में, अपने असेट्स के साथ येस बैंक के भी असेट्स को मर्ज करके दिखाएगा, अपनी लाइबिलिटीज के साथ येस बैंक की लाइबिलिटीज को भी मर्ज करके दिखाएगा। सो इन शॉर्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द मर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टू और मोर कंपनीज, ठीक है ना? मर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टू और मोर कंपनीज, दो या दो से ज्यादा कंपनीज के मर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। आई बात समझ में? सर इसका एक और नाम होता है ना? हां, कुछ लोग इसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? हाँ जी, कुछ लोग इसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, बट मैं ये कहता हूं कि ये दोनों में फर्क है, सेपरेट और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्क है, फर्क है। हाँ हाँ फर्क है, सर क्या फर्क है? अगर मैं एसबीआई की बात करूं और अगर मैं येस बैंक की बात करूं, तो येस बैंक क्या बना, एसबीआई क्या बनाएगा? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये क्या, एक और क्या बनाएगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये है होल्डिंग कंपनी,
और ये है सब्सिडरी कंपनी, तो क्या ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा? नहीं, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगा, ये सिर्फ एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा और वो कहा जाएगा स्टैंड अलोन। तो सर मतलब यही हुआ ना, एक्चुअली देखो वर्डिंग का फर्क है, हम कंसोलिडेट बना रहे हैं और जो हम कंसोलिडेट नहीं बना रहे उसको हम बोल रहे हैं ये हमारी सेपरेट है। मतलब इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक कंसोलिडेट है और एक कंसोलिडेट से अलग है, मतलब सेपरेट। पर जो कंपनी सिर्फ बनाई एक ही रही है उसके लिए कोई कंसोलिडेशन में बनाने का कोई सेंस नहीं है, वो एक ही बना रही है तो वो सेपरेट क्यों बोलेगी? वो बोलेगी हम तो एक ही बना रहे हैं अकेली, तो इसलिए स्टैंड अलोन। तो वर्डिंग का फर्क है बेटा, शब्दों का फर्क है, सिर्फ शब्दों का अंतर है। तो जो कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाती वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, सिंगल 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 सॉरी सॉरी सिंगल नाम नहीं लेने का, क्या नाम लेने का, स्टैंड अलोन। आई बात समझ में? क्लियर बेटा? मेरे को 2 मिनट दो, थोड़ा सा 2 मिनट मेरे को दे रहा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। यहां तक बहुत बातें क्लियर हैं? जी सर क्लियर है। अच्छा सर पूरा पेज एक बार दिखाइए बेटा, पूरा पेज इतना सारा तो नहीं दिखा पाऊंगा, पार्ट्स पार्ट्स में दिखा पाऊंगा और 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5 और हटा दूंगा, 1 2 3 4। स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, इसलिए मैं 5 गिन रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये देखो क्या लिखा है, शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013 डिवीजन 1। सर व्हाट इज दिस डिवीजन 1 और ये शेड्यूल 3 क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 जो कि आपके लॉ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सब्जेक्ट है ना आपका लॉ, ठीक है ना, जो जिस जो आप लॉ पढ़ते हो सब्जेक्ट, उसमें कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस करके सब्जेक्ट का नाम है शायद, तो उसमें सबसे बड़ा एक्ट आपको कौन सा पढ़ना पड़ता है? कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ता है, वो भी पूरा नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि बाकी का पोर्शन आपको सीए फाइनल में लगता है। उस कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि जब भी कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो वो शेड्यूल 3 में बताए गए फॉर्मेट, बताए गए प्रेजेंटेशन और बताए गए डिस्क्लोजर्स को फुलफिल करेगी। फिर से, जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है वो कंपनी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो वो शेड्यूल 3 में बताए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएगी, उसमें बताए गए प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बनाएगी और उसके अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर्स को भी रिकॉर्ड करेगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है बेटा, क्लियर। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि शेड्यूल 3 में बताया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर्स, चाहे कंसोलिडेट चाहे सेपरेट, चाहे कंसोलिडेट चाहे सेपरेट, कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है आपको, वो सब आपको यहां पर बताया गया है, वो सब आपको यहां बताया गया है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? शेड्यूल 3 में बताया गया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, शेड्यूल 3 में 3 डिविजन्स हैं, डिविजन 1,
डिवीजन टू, डिवीजन थ्री, डिवीजन वन, डिवीजन टू, डिवीजन थ्री, डिवीजन वन, डिवीजन टू, डिवीजन थ्री, ठीक है ना। शेड्यूल थ्री में तीन डिविजन्स हैं। सर ये क्या कहते हैं तीन डिविजन्स? डिवीजन वन ये अप्लाई होता है उन कंपनीज के ऊपर जिनको एएस के अकॉर्डिंग कंप्लायंस करना जरूरी है। मेरे साथ लिखिएगा, जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना जरूरी है। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे, उन कंपनीज के ऊपर डिवीजन वन लगेगा, ठीक है। तो डिवीजन टू किसके ऊपर लगेगा सर, जो एएस फॉलो नहीं कर रहे? टू दोज कंपनीज जो कि इंड एएस फॉलो कर रहे हैं, जो कि इंड एएस फॉलो कर रहे हैं। सर अब ये एएस और ये इंड एएस, इन दोनों में फर्क क्या है? सर ये एएस और इंड एएस में फर्क क्या है, जल्दी बताओ। एएस और इंड एएस में फर्क क्या है बेटा? क्या है, आपके कोर्स में एएस एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी क्या हो गया है कि ना एक और नई चीज आ गई है, इंड एएस, जो कि एएस का बाप है बेसिकली, उससे बड़े, पर ये आपके कोर्स में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? ये सीए फाइनल में आपको पढ़ने को मिलेगा। सर एएस, एएस और इंड एएस में डिफरेंसेस हैं? हाँ, जो इंड एएस है वो फुल्ली फुल्ली कन्वर्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इन शॉर्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कन्वर्टेड है। इंड एएस पूरी तरीके से इंटरनेशनली डिजाइन किए गए, ये मान के चलो। पर जो एएस है वो पूरी तरीके से इंटरनेशनली डिजाइन नहीं किए गए, ठीक है। तो कुछ कंपनीज को एएस फॉलो करना पड़ता है, कुछ को इंड एएस फॉलो करना पड़ता है। जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको इंड एएस फॉलो करना पड़ता है, जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको एएस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? और डिवीजन थ्री डिवीजन थ्री सर ये डिवीजन थ्री किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? डिवीजन थ्री एप्लीकेबल होता है बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, राइट? डिवीजन थ्री एप्लीकेबल होता है बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। मतलब ये हुआ कि डिवीजन वन में भी बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, कौन कौन से डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। डिवीजन टू में भी बताया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, कौन कौन से डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। डिवीजन थ्री में भी बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, कौन कौन से डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। अब ऑब्वियसली तीनों को अलग अलग रखा गया है, तो डेफिनेटली यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, प्रेजेंटेशन में, डिस्क्लोजर में चेंजेस होंगे, कंपेयर करेंगे डिवीजन टू और डिवीजन थ्री से। तो डिवीजन वन में बताए गए फॉर्मेट और डिवीजन टू और थ्री में बताए गए फॉर्मेट में डिफरेंसेस हैं। आपके कोर्स में डिवीजन वन अप्लाई होता है, आपके कोर्स में डिवीजन वन अप्लाई होता है, डिवीजन टू और डिवीजन थ्री अप्लाई नहीं होता है। इंटर में आपको सिर्फ डिवीजन वन पढ़ना होता है। आई बात समझ में? सो डिवीजन में वन में बताया गया फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, उसमें बताए गए प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है, उसमें बताई गई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है, जो कि डिवीजन टू और डिवीजन थ्री से अलग है। आई बात समझ में कि नहीं?
ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं? क्लियर हुआ? चलिए, तो आपके सिलेबस में है डिवीजन वन, ना कि डिवीजन टू, ना कि डिवीजन थ्री। नाउ लेट्स कम टू द डिवीजन वन। डिवीजन वन विच इज टेक्निकली स्पीक्स अबाउट कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने पड़ेंगे। देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन अप इन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। सर ये क्या है? एक्चुअली जो कंपनीज एएस फॉलो करती है ना, उनको एएस रूल्स 2006 लगाना पड़ता है, और जो कंपनी इंड एएस फॉलो करती है तो उनको लगाना पड़ता है इंड एएस रूल्स 2015। सर इतना दूर? इंड एएस 2015 में इंट्रोड्यूस किए गए, जबकि एएस 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया। एक्चुअली देखा जाए तो 2006 से पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया, पर 2006 पे इन रूल्स को नया तरीके से बनाया गया। ठीक है, तो इंड एएस रूल्स 2015 लगता है इस पे, डिवीजन टू पे। तो डिवीजन वन बेसिकली तब लगता है जब आपको एएस फॉलो करना पड़ता है एएस रूल्स 2006 के हिसाब से। सर आप हमें यहां पर क्या पढ़ाने वाले हो? शेड्यूल थ्री के बारे में हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? शेड्यूल थ्री के बारे में देखा जाए, अगर बेयर एक्ट की बात करें, बेयर एक्ट समझते हो ना, आपको बताया गया होगा शायद मेरे हिसाब से दर्शन सर या विजय सर ने। बेयर एक्ट मतलब जो बेसिकली ओरिजिनल लैंग्वेज, ओरिजिनल किताब जो ड्रॉ की गई है, ओरिजिनल लॉ जो ड्रॉ किया गया है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बेयर एक्ट। मैं आपको अगर बेयर एक्ट से पढ़वाऊं तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, 10-10 15-15 क्लासेस लग जाएंगी, और इतना रेलेवेंट पोर्शन है नहीं आपको पढ़ने के लिए। आपको जितना आपके नॉलेज के लिए जरूरी है पॉइंट नंबर वन, और पॉइंट नंबर टू आपको जितना आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है, मैं सिर्फ आपको उतना ही पोर्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा इस शेड्यूल थ्री को समझने की कोशिश करिए, इसको कैसे पढ़ना है। इसका पहला पॉइंट है ये, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एएस। ये पहला पॉइंट है, अभी मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये इसका दूसरा पार्ट है, ये उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, कि भाई आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और बैलेंस शीट से रिलेटेड आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, मतलब 2.1। सबसे पहले आपको नॉर्मल नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए गए, उसके बाद बात की गई कि भैया बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है और बैलेंस शीट के जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, इसलिए 2 और 2.1। फिर बैलेंस शीट के जनरल इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाएंगे तो आएगा यहां पर तीसरी चीज, विच इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी चीज, आपको लग रहा होगा कि सर यहां तो पार्ट टू लिखा हुआ है, मैं आपके लिए बस एक अलग 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 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बना रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर वन आपको पढ़ना है जनरल इंस्ट्रक्शंस, कॉन्सेप्ट नंबर टू आपको पढ़ना है बैलेंस शीट और उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री आपको पढ़ना है पीएनएल और उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना? हाँ, बाकी पीएनएल को बोलते क्या है पार्ट टू, क्योंकि बैलेंस शीट को बोलते हैं पार्ट वन, ऐसा। और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस पीएनएल के लिए, तो इसको हम बोलेंगे 3.1, 3.1। और सबसे लास्ट, सबसे नीचे ये रहेगा आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, मतलब पार्ट फोर। पार्ट फोर, आई बात समझ में? तो कुल मिला के हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी हैं इस पूरे शेड्यूल थ्री में। शेड्यूल थ्री में हमें चार अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं,
चार अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने, ठीक है, चार अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने। चलो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करें बच्चों। कुछ दिन तक हम शेड्यूल थ्री पर ही चलेंगे, याद रहे, कुछ दिन तक हम अपनी बातें शेड्यूल थ्री पे ही बात करेंगे। तुम में से शेड्यूल थ्री किस किस ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मुझे बताएं। किसी ने शेड्यूल थ्री पढ़ा है क्या पहले से ही? किसी ने पहले से ही शेड्यूल थ्री पढ़ा है क्या? यस, नो सर, नो, क्लास 11th, नो नो, 12th में थोड़ा, क्लास 12 ओनली फॉर्मेट, नो सर, नो। मैंने मैंने पढ़ा है सर, हाँ, क्लास 12th, क्लास 12 में बैलेंस शीट एंड पीएनएल बनाते थे शेड्यूल थ्री के अंदर। ओके, चलिए अब आपको रियलाइज होगा कि जो शेड्यूल थ्री आपने जिस लेवल का पढ़ा था और जिस लेवल का अभी पढ़ रहे हो उसमें कितना इतना कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का, अब आपको रियलाइज होगा। चलिए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसी कंपनी जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, उसको जब ये शेड्यूल थ्री के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले उनको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। क्या बातों को समझना पड़ेगा? पहली बात, एवरी कंपनी टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई शेल, शेल, शेल का मतलब क्या लिखा है, क्या होता है, करना ही पड़ेगा। शैल की जगह पे होता मे, MAY, तो कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो। यहां लिखा है शैल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ दिस शेड्यूल। हर एक कंपनी जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है उसको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे और विथ सच मॉडिफिकेशन एज मे बी रिक्वायर्ड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। या अगर इस शेड्यूल में आगे कुछ मॉडिफिकेशंस हुए तो फिर उन मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है शैल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ दिस शेड्यूल और विद द इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस अगर आगे चल के होते हैं तो। ठीक है, ठीक है सर, कोई खास पॉइंट तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये देखो वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो हमें कौन कहता है डिस्क्लोजर्स करो, कहां लिखा है ये कि हमें डिस्क्लोजर करना पड़ेगा? ये AS भी कहता है और ये शेड्यूल थ्री भी कहता है। एंड आप समझ लो, मुझे AS के भी डिस्क्लोजर्स को फॉलो करना है, मुझे शेड्यूल थ्री के भी डिस्क्लोजर्स को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि अगर मैं शेड्यूल थ्री के डिस्क्लोजर्स को फॉलो कर रहा हूं तो AS को अगर फॉलो ना करूं AS के डिस्क्लोजर्स को तो चल जाएगा मेरा काम, नहीं। AS को फॉलो कर रहा हूं तो शेड्यूल थ्री को नहीं करूं तो चल जाएगा मेरा काम, एक ही बात है, नहीं 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 दीज आर नॉट ऑल्टरनेटिव बेसिकली, या दीज आर नॉट सब्स्टिट्यूट। अंडरस्टूड और नॉट? तो आप जो सेकंड पॉइंट है वो पढ़िए, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल आर इन एडिशन। Are in addition to and not in substitution of the disclosure requirement specified in the accounting standard. Indian word हटा देना, accounting standard बस, Indian word हटा देना। तो जो disclosure requirement इस schedule में है वो additional है मेरे बच्चे।
मतलब जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई है वो तो फॉलो करनी करनी है, पर तेरे को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एएस की भी फॉलो करनी है, शेड्यूल थ्री की भी फॉलो करनी है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये नहीं कह सकता कि मैं एएस की फॉलो करता हूं तो मैं इसकी फॉलो क्यों करूं, नहीं, तेरे को दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ डिस्क्लोजर्स यहां पर भी इंपॉर्टेंट, तेरे को ये भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। एडिशनल डिस्क्लोजर्स स्पेसिफाइड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बी मेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। आप ये सारे डिस्क्लोजर्स कहां करोगे? आप इनको नोट्स टू अकाउंट्स में या फिर अलग से कोई एडिशनल स्टेटमेंट बना के, अनलेस रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम्हें डिस्क्लोजर्स कहां देने हैं? तुम कहां अपनी बातों को डिस्क्लोज करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कहां? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में, मतलब एक अलग से पेज पे एक साथ इकट्ठा नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ डिस्क्लोजर्स को तुमने बैलेंस शीट में ही डाल दिया, कुछ को पेंडल में डाल दिया। तुम तब तक बैलेंस शीट के फेस पे कुछ नहीं दिखाओगे, पेंडल के फेस पे कुछ नहीं दिखाओगे, जब तक तुम्हें बोला ना जाए, जब तक तुम्हें कहा ना जाए, तब तक तुम फेस ऑफ बैलेंस शीट को खराब नहीं करोगे, तब तक तुम पेंडल के फेस को खराब नहीं करोगे। नहा के आते हैं, धो के आते हैं, एक बार चेहरे को क्रीम लगाते हैं, दैट्स इट, खत्म। ऐसा नहीं कि क्रीम भी लगा दी, लाली भी लगा दी, पाउडर भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, ये वो करके भूत बन गए। भूत नहीं बनाना है अपने को, चेहरे को अपने को, बैलेंस शीट को भूत नहीं बनाना है, ठीक है ना, अपने को पेंडल को भूत नहीं बनाना है। जब तक उसने नहीं कहा कि तुम्हें उसके फेस पे बस कुछ दिखाओ, तब तक तुम्हें बैलेंस शीट और पेंडल के अंदर कुछ नहीं दिखाना है। बैलेंस शीट पेंडल के अंदर जो मेन चीजें आनी चाहिए वही ठीक है, डिस्क्लोजर के रिकॉर्डिंग आप बैलेंस शीट पेंडल को खराब नहीं करोगे, अलग से दिखाओगे। आई बात मेरी समझ में? क्लियर सर? समझ में आता है कि नहीं? थर्ड पॉइंट, ईच आइटम ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी क्रॉस रेफरेंस्ड टू एनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द नोट्स। अच्छा सर, मतलब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब तुम बैलेंस शीट बनाते हो, जैसे मान लो तुम बैलेंस शीट बना रहे हो, तुम बैलेंस शीट में दिखा रहे हो कोई आइटम जैसे शेयर कैपिटल, ठीक है ना, जैसे तुम बैलेंस शीट में दिखा रहे हो शेयर कैपिटल। अब तुमने यहां पर शेयर कैपिटल दिखा दिया 500 करोड़, ठीक है ना। अब जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहा है, जो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये 500 करोड़ का जो शेयर कैपिटल है इसमें कौन कौन से शेयर्स हैं, इसमें इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, प्रेफरेंस है भी कि नहीं, अगर है तो वो रिडीमेबल कब होगा, उसका फेस वैल्यू क्या है, उसका डिविडेंड रेट क्या है। इक्विटी का तो चलो ठीक है, डिविडेंड रेट कोई फिक्स नहीं होता। इक्विटी अगर है तो इक्विटी भी अलग अलग क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स तो नहीं है, कुछ डबल वोटिंग राइट्स वाले, कुछ सिंगल वोटिंग राइट्स वाले, कुछ नो वोटिंग राइट्स वाले, आप समझ रहे हो कि नहीं। तो इक्विटी कैपिटल भी तो आपका अलग अलग प्रकार का हो सकता है। आपका इसमें ऑथराइज कैपिटल कितना है, आपका इसमें सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, कैसे मालूम पड़ेगा, इसमें आपका कॉल्स एंड अरियर्स कितना है। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, यहां कायदे से डालना चाहिए नोट नंबर वन। जैसे ही यहां आपने कोई नंबर डाल दिया, तो आप अलग से मतलब ये बताना चाहते हो कि भाई देखो, तुम नोट वन नंबर वन पे चले जाओ, तुम नोट नंबर वन पे चले जाओ और यहां जाके देखो कि जो शेयर कैपिटल 500 करोड़ है उसके अंदर हमने क्या क्या दिखाया है, उसके अंदर इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, वगैरह वगैरह, ऑथराइज कितना है, सारी डिटेल तुम्हें इसमें अंदर मिल जाएगी। पर वो कचरा, वो जो गपगपा हो चुका है, वो सब तुम्हें बैलेंस शीट में नहीं बताना। बैलेंस शीट में तुम्हें बस क्रॉस रेफरेंस देना है नोट नंबर वन का। तो यहां पर देखो वही बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, क्रॉस रेफरेंस्ड। तो ये कह रहा है ईच आइटम ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, जो जो आइटम तुम बैलेंस शीट पेंडल के फेस पे दिखा रहे हो शेल बी क्रॉस रेफरेंस्ड, उसको क्रॉस रेफरेंस दोगे टू एनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द नोट्स। मतलब आपने बता दिया कि नोट नंबर वन में चले जाइए, आप नोट नंबर वन दिखा दिया तो अपने आप वो चला जाएगा नोट नंबर वन में और उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इस आइटम के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्रॉस रेफरेंस। आई बात समझ में कि नहीं? किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखिए, किसी कंपनी की, किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखिए आपने,
एनुअल रिपोर्ट मतलब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, रियली में किसी भी कंपनी के, किसी बड़ी कंपनी के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस आपने देखे हैं कभी? पूछ रहा हूं मैं, टेल मी, अगर देखे हैं तो मुझे बताइए। वेरी गुड, रिलायंस के देखे हैं, अशोक लीलैंड के देखे हैं, ओके, ट्वेल्थ में देखा था सर, प्रोजेक्ट वर्थ था आपने, टाटा की देखी है, वेरी गुड। मेरे पास रिलायंस की बैलेंस शीट रखी हुई है, कहां गई? हाँ ये रही, मेरे पास रिलायंस की बैलेंस शीट दिखी रखी हुई है, रिलायंस रूट मोबाइल, वेरी गुड। मेरे पास रिलायंस कंपनी की 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920 की बैलेंस शीट रखी हुई है। मैं आपको एक दो दिन तक जब शेड्यूल 3 पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, जब आपको एक थोड़ा सा नॉलेज आपका बढ़ जाएगा, मुझे लगेगा कि अब आपको बैलेंस शीट रियल लाइफ में बैलेंस शीट दिखाने पे आपको समझाऊं, तो मैं आपको इस बैलेंस शीट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो जो जो चीजें हमने पढ़ी थी उसको उन्होंने इन चीजों को कैसे कैसे प्रेजेंट किया है और डिस्क्लोज किया है, ठीक है ना। तो बट अभी मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं कि रिलायंस की बैलेंस शीट है मेरे पास, बिल्कुल अभी की अपडेटेड बैलेंस शीट है 1920 की, 2021 तो अभी चल रहा है। तो जो बैलेंस शीट मेरे पास रिलायंस की रखी हुई है, मैं आपको रिलायंस की बैलेंस शीट जरूर दिखाऊंगा, बट आफ्टर 2-3 क्लासेस, जब हम शेड्यूल 3 के बारे में कुछ कुछ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, ये AY प्राइवेट लिमिटेड, बेटा मैं जानता हूं कौन है ये, अंकित यादव प्राइवेट लिमिटेड है ना, मुझे मत बनाओ, ठीक है ना, कान में बेड़ी नहीं लगाई अपन ने बेटा। हाँ, और तुमने बोला कि बहुत बड़ी कंपनी, तुमने डाल दिया उसके उसके आगे प्राइवेट, जैसे ही तुमने प्राइवेट डाल दिया तो वो वैसे ही छोटी कंपनी बन गई। चलो आगे कह रहा है, इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग नोट्स बैलेंस शैल बी, अरे यार ये पॉइंट इतना गजब का है यार, सच्ची में बताऊं ना, ये पॉइंट पढ़ के देखो और ये मुझे समझाओ, ये पॉइंट पढ़ के देखो और ये मुझे समझाओ। इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग नोट्स बैलेंस शैल बी मेंटेन्ड बिटवीन प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डिटेल्स that may not assist users of financial statements and not providing important information as a result of too much aggregation. इसका क्या मतलब होता है, मुझे सोच के बताओ, इस पॉइंट का क्या मतलब होता है? बैलेंस शैल बी मेंटेन बिटवीन टू थिंग्स, आपको बैलेंस करके चलना है दो चीजों के बीच में, वो दो चीजें क्या है? ठीक है, दो चीजें हो जाएंगी, प्राइवेट डालने पे कैसे छोटी हो जाएगी, तब आपको ये लॉ में समझ में आएगा। जब आप लॉ पढ़ोगे ना तो आपको बताया जाता है कि बेटा एक होती है लिमिटेड कंपनी, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो पैसा रेज कर सकती है मार्केट से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मार्केट से कभी पैसा रेज नहीं कर सकती, और जब तक तुम मार्केट से पैसा रेज नहीं करोगे तब तक तुम्हारी कंपनी छोटी कंपनी रहेगी, सीधी सच्ची बात है, क्योंकि प्रमोटर्स अपना पैसा लगा लगा के कितना लगाएंगे बेटा, है ना। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करनी होगी, असेट लाइबिलिटीज ओनली रेलेवेंट इन्फो, डेट इक्विटी, बहुत ही शॉर्ट में बोल रहे हो, बिल्कुल थोड़ा एक्सप्लेन करो बच्चों, असेट लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं है ये पॉइंट, नहीं नहीं ये असेट लाइबिलिटी से पॉइंट रिलेटेड नहीं है,
किसने बोला कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, बात सही है आपकी रेलेवेंट, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जिससे यूजर्स को कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने में डिफिकल्टी ना हो। वेरी गुड। ये कहा गया है कि जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे ना, तो ऐसा भी नहीं कि मतलब एक्सेसिव डिटेल्स देते जा रहे हो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ऐसा बता दो, वैसा बता दो, घर पे क्या हुआ, आज बीवी से झगड़ा हुआ वो भी लिख दिया, ठीक है ना, आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया पिट के आ गया वो भी लिख दिया, ठीक है ना, मतलब इररिलेवेंट डिटेल्स, एक्सेसिव डिटेल्स, एक्सेसिव डिटेल्स दैट मे नॉट असिस्ट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल, जिस इंफॉर्मेशन से यूजर को कोई मतलब ही नहीं है, जिस इंफॉर्मेशन से यूजर को कोई मतलब ही नहीं रखता, आप वो फालतू चीजें मत बताइए, भले वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है ना। मैंने तो मस्ती मजाक में बोला कि बीवी से पिट के आ गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब आपको वही इंफॉर्मेशन बतानी है जो एक्चुअली जरूरी है यूजर के लिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि सबको शॉर्टकट में बताते जाओ, जो जरूरी है उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करो। तो बैलेंस मस्ट बी मेंटेन बिटवीन प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डिटेल्स विच इज नॉट रेलेवेंट फॉर यूजर्स एंड नॉट प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ टू मच एग्रीगेशन। आपने बोला ये वाला आइटम अलग से क्यों दिखाएं, ये वाला आइटम मिलके एक ही एग्रीगेट करके दिखा दो, हम सैलरी अलग से क्यों दिखा रहे हैं, सैलरी को एक काम करो अदर एक्सपेंस में डाल के टोटल करके दिखा दो, नहीं दिखाना आपने अपने को अदर सैलरी को, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको टू मच एग्रीगेशन, हर चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाकर एग्रीगेट करके मत दिखाओ, जो चीज जरूरी है, ठीक है ना, नॉट प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को किसी और इंफॉर्मेशन के साथ एग्रीगेट करके मत दिखाओ, उसको अलग दिखाओ, बट हर चीज को अलग मत दिखाओ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अलग से दिखाओ, एग्रीगेट करके मत दिखाओ किसी और के साथ, बट हर प्रकार की चीज को एग्रीगेट मत, हर प्रकार की चीज को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? यस, प्रिंकल चावला, वेरी गुड। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट बोल रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी द फिगर्स अपियरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी राउंडिंग ऑफ एज बिलो। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपके सामने एक बैलेंस शीट बनाई जिसमें मैंने 500 करोड़ लिखा, क्या मेरे लिए जरूरी है क्या कि सारे जीरो लगाऊं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या मैं इतना सब कुछ लिखूं, क्या ये जरूरी है कि मुझे फिगर्स को राउंड ऑफ नहीं करना है, मुझे सारा एब्सोल्यूट पूरा पूरा फिगर लिखना है, ये क्या जरूरी है क्या? नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेड्यूल 3 कहता है कि तुम राउंडिंग ऑफ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारा टर्नओवर क्या है, टर्नओवर के अकॉर्डिंग हम तुम्हें एक लिमिट दे रहे हैं कि तुम राउंडिंग ऑफ कितने कितने बेसिस पर कर सकते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो टर्नओवर, अगर तुम्हारा टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ से कम है, अगर तुम्हारा टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज से कम है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नियरेस्ट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स और मिलियंस, डेसिमल्स दे रहा हूं उसके पॉइंट के बाद, जो भी डेसिमल आता है पॉइंट के बाद, 2 डेसिमल्स, 3 डेसिमल्स, वॉट एवर इफ यू वॉन्ट, आप अपने हिसाब से तय करो, हंड्रेड्स मतलब रुपीज इन हंड्रेड्स, रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन मिलियंस, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, राउंड ऑफ कर दिया तो बैलेंस शीट में डिफरेंस आएगा ना, नहीं बेटा राउंड ऑफ तो हर फिगर को करेगा ना, एक फिगर को थोड़ी करेगा राउंड ऑफ, एक फिगर को कर रहा है दूसरे फिगर को राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, सारे फिगर्स को राउंड ऑफ करेगा और जो डिफरेंस आएगा वो पॉइंट में डिफरेंस आएगा, छोटा मोटा डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ, तो वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा, वो नेगलिजिबल होगा बेसिकली, क्योंकि तूने सबको राउंड ऑफ किया है, समझने की कोशिश कर, अगर तू राउंड ऑफ करेगा और पॉइंट के बाद तेरे कुछ डेसिमल्स हैं तो डेफिनेटली तेरी बैलेंस शीट में हो सकता है कुछ डिफरेंस आए, बट वो नेगलिजिबल होगा जिसको तू एडजस्ट करेगा कहीं ना कहीं, एसेट या लाइबिलिटी में, इनकम या एक्सपेंस में, ठीक है। तो अगर तेरा टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो तू नियरेस्ट हंड्रेड्स मतलब सारे फिगर्स हंड्रेड्स में, सारे फिगर्स थाउजेंड्स में, या सारे फिगर्स लैक्स में, या सारे फिगर्स मिलियन में, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख ऐसे दिखाएगा। पर अगर तेरा टर्नओवर 100 करोड़ टच हो गया या उससे ज्यादा है, फिर
तेरे को हंड्रेड्स और थाउजेंड्स का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब तेरा टर्नओवर ज्यादा हो गया है। तो हंड्रेड्स भी अच्छा राउंडिंग ऑफ नहीं है, थाउजेंड्स भी अच्छा राउंडिंग ऑफ नहीं है, फिर ऐसे केस में राउंडिंग ऑफ शुरू होगा लैक्स मिलियंस, जो पुराने दो में भी पुराने में भी था, और एक बढ़ जाएगा क्रोर्स, मतलब करोड़ बढ़ जाएगा और दो हट जाएंगे, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स हट जाएंगे और क्रोर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? क्लियर क्लियर क्लियर। मिलियन और बिलियन, पता है बच्चों, मैं भी जब छोटा था ना तो मिलियन और बिलियन में मैं भी उलझता था। अभी जैसे ये अंकित उलझ रहा है कि सर 1 बिलियन कितना होता है, मैं भी लिटरली बहुत उलझता था, मिलियन बिलियन में बहुत उलझता था। तो फिर ध्यान रखना पड़ा कि यार मिलियन क्या होता है और बिलियन क्या होता है। मिलियन मतलब 10 लाख, बिलियन बिलियन क्या होता है जल्दी बताओ कोई। 1 बिलियन मतलब क्या होता है? 1 बिलियन मतलब क्या होता है? रितेश ने 100 करोड़ बोला है, रितेश ने 100 करोड़ बोला है बॉस, रितेश ने 100 करोड़ बोला है, मतलब माय गॉड 1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ थोड़ी होता है यार, मतलब क्या बात कर रहे हो, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ थोड़ी होता है, कोई बताएगा क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। कोई लोग बोल रहे हैं 10 करोड़ होता है, कोई बोलता है 100 करोड़ होता है, कोई बोलता है 100 लैक्स होता है, कोई बोल रहा है 1000 मिलियन होता है, कोई बोलता है 100 करोड़ होता है, कोई बोलता है 1000 मिलियन होता है, 100 करोड़ होता है, कोई 10 करोड़, किसी ने 1 करोड़ भी बोल दिया। चलो ठीक है, मैं वही सोच रहा था 1 करोड़ क्यों नहीं लिखा है। बेटा बिलियन मतलब 100 करोड़, बिलियन मतलब 100 करोड़, यस। जो पहले वाले बच्चे ने, पता नहीं किसने बोला था, वो सही था, ठीक है, जो पहले वाला बच्चा था वही सही था, मैंने उसको जैसे ही बस थोड़ा सा सोचा सोचा कि उसका कॉन्फिडेंस हल्का सा देखूं गिराऊं, पहले वाले बच्चे ने बिल्कुल ठीक बोला था। आई डोंट नो पहला वाला बच्चा कौन सा था, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, सो 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। तो ये आपके राउंडिंग ऑफ के फंडे हैं। वंस अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड, इट शुड बी यूज्ड यूनिफॉर्मली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अगर आप रुपीज इन मिलियंस कर रहे हो तो आप इस रुपीज इन मिलियंस को हर साल फॉलो करते चलोगे। ऐसा नहीं कि एक साल आपने रुपीज इन मिलियंस दिखाया, अब आप रुपीज इन थाउजेंड्स दिखा रहे हो, फिर आप रुपीज इन लैक्स दिखा रहे हो, आप उसको यूनिफॉर्मली कंसिस्टेंट बेसिस पर हर साल उसको साथ साथ करते चलिए। ठीक है, पॉइंट नंबर फिफ्थ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल कंटेन करेस्पॉन्डिंग अमाउंट कंपैरेटिव्स फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड फॉर ऑल आइटम्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग नोट्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेड बिफोर द कंपनी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको पुराने पिछले साल के कंपैरेटिव भी देने, पिछले एक साल के आपको फिगर्स भी दिखाने, मतलब अगर आप कोई असेट दिखा रहे हो तो असेट का करंट ईयर का कॉलम, प्रीवियस ईयर का भी कॉलम, इनकम्स एक्सपेंसेस का करंट ईयर का कॉलम तो प्रीवियस ईयर का भी कॉलम, एक्सपेंस लाइबिलिटीज का भी करंट ईयर का कॉलम तो प्रीवियस ईयर का भी कॉलम, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव। जब भी वर्ड सुनने को मिले कंपैरेटिव, तो मींस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के फिगर्स, सारे आइटम्स प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के दिखाने पड़ेंगे। हाँ, अगर तुम्हारा पहला साल चल रहा है, फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो पिछले साल के कोई फिगर्स तो होंगे नहीं, ऐसे केस में तुम्हें कंपैरेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है, वो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? सो गाइस, दिस वाज द जनरल इंस्ट्रक्शंस। हमने बेसिकली क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़े, अभी 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 हमने फिलहाल क्या पढ़े, हमने पॉइंट नंबर वन, हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि भाई जो भी कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है उनको मैंडेटरी शैल लिखा हुआ है, मैंडेटरी उनको इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे,
आगे चल के अगर इस शेड्यूल में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं तो उन मॉडिफिकेशंस को भी फुलफिल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड हमने पढ़ा कि जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इस शेड्यूल 3 में बताई गई हैं वो भी एडिशनली फॉलो करनी पड़ेंगी। एएस में जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अलावा इनको भी फॉलो करना पड़ेगा, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। तीसरा हमने पढ़ा कि भाई अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो जो भी आइटम्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो भी आइटम्स आपके होंगे उनका क्रॉस रेफरेंस आपको नोट्स के थ्रू देना है ताकि नोट्स में जाके उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सके यूजर्स को। इसके अलावा हमने पढ़ा कि भाई आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है बिटवीन प्रोवाइडिंग एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, टू मच इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट, एंड नॉट प्रोवाइडिंग मटेरियल इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ टू मच एग्रीगेशन। आपको इन दोनों में बैलेंस मेंटेन करके चलना है। चौथा हमने पढ़ा कि भाई आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के बेसिस पर राउंडिंग ऑफ रूल्स। कुछ लोग इसको आगे चल के भूल जाएंगे और बोलेंगे सर नेटवर्थ के बेसिस पर था, टर्नओवर के बेसिस पर था याद रखना। 100 करोड़ से नीचे 100 करोड़ या फिर 100 करोड़ और उससे ऊपर, 100 करोड़ के नीचे होगा तो रुपीज इन हंड्रेड्स थाउजेंड्स लैक्स और मिलियंस, और उस 100 करोड़ टच हो गया या फिर उससे ऊपर चला गया तो क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स हटा दो, लैक्स मिलियंस करोड्स। लास्ट आपको कंपैरेटिव फिगर्स भी दिखाने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव फिगर्स? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के जो भी आपके असेट्स लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंस के फिगर्स हैं वो आपको कंपेयर करके आपको दिखाने हैं करंट ईयर में भी, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट वी हैव कवर्ड, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड फॉर शेड्यूल 3। अगली क्लास में हम बैलेंस शीट के पार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे, बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे। सो बच्चों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ललित वर्मा, यू कैन कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ डेमो, बट जनरली जो डेमो होता है वो 4 से 5 क्लासेस का होता है मैक्सिमम, अदर देन वी स्मार्ट क्लासेस। वी एट वी स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइडिंग यू नॉट ओनली डेमो, वी आर प्रोवाइडिंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आपके आने के जो आपका रिजल्ट अभी आने वाला है, रिजल्ट आने तक आपका कम से कम 20% कोर्स तो हो ही जाए। तो आप इसको डेमो लेना चाहो डेमो लो, आप इसको एक तरीके से हमारी तरफ से एक एक्सटेंडेड सपोर्ट लेना चाहो तो आप इसको सपोर्ट की तरह ले सकते हो। तो दिस इज नॉट जस्ट अ डेमो, दिस इज द बेसिकली एक्सटेंडेड सपोर्ट फ्रॉम वी स्मार्ट फैकल्टीज जो कि आपको रिजल्ट तक प्रोवाइड करेंगे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके आगे की क्लासेस अगर आपको देखनी है तो रिजल्ट के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो हमारे साथ अलग से। सर व्हाट्सएप में क्वेरी भेजी थी, बेटा एक बार मुझे फिर से अभी नाम से भेज देना सुहानी अग्रवाल, मैं देख लूंगा क्योंकि अभी व्हाट्सएप पे पेंडिंग है, लगभग 140 मैसेजेस पेंडिंग है तो ऊपर नीचे हो जाता है, आम बात है। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाओगे ना? क्यों नहीं करवाऊंगा, अगर इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली करवाऊंगा। इस पूरे शेड्यूल 3 पर एक सेपरेट चैप्टर है हमारा, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही होते हैं। ये सब बातें नहीं भी पूछोगे तो भी मुझे पता है कि मुझे करवाना है, ठीक है ना। दिस इज अ रेगुलर कोर्स, मैं फास्ट ट्रैक में करवाता हूं, क्रैश में करवाता हूं, तो रेगुलर में तो मुझे ज्यादा करवाना ही करवाना है बेटा। चलिए थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बुक्स अगर आपने नहीं खरीदी तो बुक्स खरीद लीजिए क्योंकि बुक्स का लिमिटेड स्टॉक है, बुक्स का लिमिटेड स्टॉक है, बाद में फिर आपको बुक्स भी अलग से नहीं मिलेंगी। हाँ वैसे अगर आप पूरे पूरे लेक्चर्स परचेज करते हो तो उनके साथ तो बुक्स मिलेंगे मिलेंगे, बट अगर आप सिर्फ बुक्स खरीदना चाहते हो फिलहाल रिजल्ट के पहले पहले तो बुक्स जल्दी खरीद लीजिए। हमने सिर्फ सेपरेट बुक सेलिंग के लिए लिमिटेड स्टॉक रखा हुआ है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।